नमस्कार, मैं अब्दुल कदीर, प्राइम 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। नया वर्ष हर्षोल्लास के साथ हमेशा मनाते आए हैं। इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक सभी देशवासी मनाएं, यही शुभकामना करता हूं। सरपंच कन्हैयालाल यादव, ग्राम पंचायत पथर्रा, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली, समस्त ग्रामवासियों एवं पूरे भारत देश को 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं। और यही कामना के साथ मैं सभी आने वाला साल, और साल तो आता रहता है, और समस्त ग्रामवासी को भी मेरा शुभकामनाएं। और अब मैं जो पद मुझे मिला है, मैं उस कार्य को अच्छे तरह से निभा रहा हूँ। आने वाला साल फिर से मिले तो फिर से यही कार्य अपने अनुसार मैं पूरे ग्राम पंचायत का जो भी कार्य विकास है उसको नियम पूर्वक करूंगा। और सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कहूंगा कि सभी, ऐसे भी आप लोगों का चैनल जो है पॉपुलर चैनल है, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हर गांव का चैनल है, जो हर गांव में है चैनल। और मैं यही कहूंगा कि सभी लोग चैनल को देखें और उसके जो चैनल में जो आ रहे हैं अच्छी बात उसको सुने, और हम लोग गांव में अपना शांतिपूर्वक रहें, यही मैं आशा करता हूं। मैं अजय कृष्णा आनंद, प्रिंसिपल चिल्ड्रंस एकेडमी गोला गोकरणा, समस्त गोला क्षेत्रवासियों को एवं देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ एवं कामना करता हूँ कि सब संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं दीपचंद वर्मा, प्रधानाचार्य पीकेएस पब्लिक इंटर कॉलेज, से सभी क्षेत्रवासियों एवं नगरवासियों को और देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देवेश कुमार, प्रधानाचार्य नवोदय इंटर कॉलेज गोला देहात, जनपद लखीमपुर खीरी। मैं नववर्ष और गणतंत्र दिवस की क्षेत्र प्लस समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि सभी के लिए आने वाला वर्ष और गणतंत्र दिवस अच्छा हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रधान रामोटर, ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you.
ओवरलोडिंग ट्रक की वजह से होने वाला बड़ा हादसा टला। चलते हुए ट्रक का डाला अचानक टूटने की वजह से गिरी आटे से भरी 50 बोरियां बाल बाल बची गयी। हमेशा गाड़ियों से बनाए रखिए उचित दूरी, वरना आप हो सकते हो बड़े हादसे का शिकार। ट्रांसपोर्ट वालों की लापरवाही शिकार बनाने से बची जनता, बड़ा हादसा टला। आगरा शहर में सड़क पर दौड़ते हुए ट्रक ने अचानक आटे से भरी 50-50 किलो की बोरियां गिरी, लेकिन गरिमत ये रही कि उस वक्त ट्रक के पीछे कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्या है पूरा मामला? आगरा शहर के थाना एतमादौला क्षेत्र में रामबाग के नजदीक हनुमान मंदिर के पास एक आटे से भरा ट्रक गुजर रहा था, जो कि गुजरात से रामबाग नारायच स्थित ट्रांसपोर्ट पर जा रहा था, जिसमें ओवरलोडिंग के साथ 50-50 किलो वजन के तकरीबन 50-55 बोरियां डाले पर भी रखी हुई थी, जो वजह के दबाव से डाला टूटने से अचानक गिर पड़ी। गरिमत ये रही कि मौके पर उस वक्त ट्रक के पीछे कोई अन्य वाहन नहीं था, जिसकी वजह से किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ट्रक चालक के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाले ने जबरन डाले पर वजन डाला था। क्या संबंधित विभाग को जनता इस ओवरलोडिंग पर अंकुश लगा पाएगी? कहाँ से कौन उसे डाल दिए? कहाँ से लोड किया सामान? ये तो वहाँ से लेके आया। लेके अभी कहाँ लेके जा रहे हो? यहीं खाली होगी। कहाँ पे? यहीं होगी खाली। यहाँ पे कहाँ? रामबाग पे? नहीं, ये क्या नाम है, वो सुधीर टेक्स। कहाँ पर है? यहीं बताइए, काफी रामबाग के पास ही है। कहाँ से ला रहे हो अभी से? कहाँ से ला रहे हो? कितने कट्टे लगे पड़े थे इसमें डाले पे? मैंने मना कर दिया था उनको, टूट जाएगा। कैमरा मैन सोनू खान के साथ साविर अली की रिपोर्ट।